केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत चीनी सीमा की सुरक्षा करने वाली भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की 7 नई बटालियन और एक रीजनल हेडक्वार्टर के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 9,400 नए पद भी बनाए जाएंगे। नई बटालियन के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर हेडक्वार्टर भी बनाया जाएगा। बता दें कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। मीटिंग की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है। टीबीपी ने वर्तमान में 176 बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित हैं और सीमा पर निगरानी और प्रभावशाली ढंग से हो इस आवश्यकता को देखते हुए हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है इसने जनवरी 2020 में अगर आपको याद होगा आईटीबीपी के 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट की स्थापना के लिए अनुमति भी दी थी।